सी, अब ये इक्वेशन से हमारे पास इन इक्वेशन के हमें ग्राफ बनाना है ना, इन पॉलिनोम सॉरी इन पॉलिनोमियल्स के हमको ग्राफ बनाना है। दीज आर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, वी स्टार्टेड विद लीनियर, हम स्टार्टेड विद जीरो जीरो पॉलिनोमियल, देन कांस्टेंट, देन लीनियर, देन क्वाड्रेटिक, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्यूबिक। तो अब देखो क्यूबिक का कैसे बना सकते हैं, तो अब इसमें देखते हैं फर्स्ट वाला इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट इज एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। इसका ग्राफ बनाने का मेथड क्या है, बेसिकली मैं आपको ये दो तीन केसेस कंसिडर कर लेता हूँ, आपको काफी आइडिया लग जाएगा। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, मुझे ऐसा दिया हुआ है, तो हाउ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन कैन बी ड्रॉन इज, अब सिंपली इसको इसके रूट्स तो आपको पता है दो और तीन, ये तो पता है, तो इसको आप यहाँ प्लॉट कर सकते हो, इन पे तो ये फंक्शन जीरो हो गई हो, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से शुरू, तो लॉजिक बहुत सिंपल है, आप देखो ये इन पॉइंट्स पे जीरो होगा, ठीक है, और क्या होगा, देखो अगर मैं इसमें बहुत बड़ी वैल्यू डाल दूं, इसमें लाइक मैं 1000 डाल दूं, तो आंसर क्या होगा, बहुत पॉजिटिव आएगा, ये दिखाई दे रहा है, 1000 माइनस 1 इंटू 1000 माइनस 2 इंटू 1000 माइनस 3 विल बी अ वेरी बिग नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम बहुत बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो दिस विल बिकम जीरो, ठीक है ना, फिर अगेन इस पॉइंट पे दिस विल बिकम जीरो, फिर अगेन इन दिस पॉइंट पे बिकम जीरो, ऐसे चला। ठीक है, फाइन, समझ में आई यहाँ तक बात, क्लियर, डन। तो वंस वी आर एबल टू डू दैट, जब ये ग्राफ ऐसा चला गया, तो इसमें तुमने एक पैटर्न नोटिस किया होगा किस तरह से चल रहा है। क्यूबिक का ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, ठीक है ना, आपको इसलिए कि आपको कुछ नहीं करना है, ये जो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री दिया हुआ है, अब इनके रूट्स को प्लॉट कर लो, वन टू थ्री, ठीक है, वन टू थ्री प्लॉट करने के बाद हमने बोला अगर बहुत बड़ी वैल्यू डालूंगा, 1000 डाली, तो आंसर विल बी पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर होगा, है ना। अब ये जैसे ही यहाँ पे आएगा थ्री के ऊपर, ये जीरो हो जाएगा, फिर ये टू पे जीरो हो जाएगा, फिर ये वन पे जीरो हो जाएगा, और ऐसे चला जाएगा। अब आप इसमें बहुत निगेटिव वैल्यू डालो, लाइक माइनस 1000 इन इन प्लेस ऑफ एक्स, यू विल सी द आंसर विल बी वेरी निगेटिव, एंड दिस ग्राफ विल गो डाउनवर्ड्स, ऐसा, ठीक है, तो नोट करने वाली बात है। अब देखो अगर इसी पैटर्न को हमने बना रखा है ऐसा, ठीक है, अब देखो ऐसा, तो आपको वहां पे टच कर देना बस, जहां पे स्क्वायर हो जाए, और कुछ नहीं करना एक्स एक्सिस को। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, x माइनस वन का, आप देखो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, तो आप ऐसा सोचो बेसिकली अगर यहाँ पे x होता और यहाँ पे ऐसा होता, तो इसका ग्राफ कैसा दिखाई देता है, इसका ग्राफ ऐसा दिखाई देता, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है। अगर मैं इस पॉइंट को इधर मूव करना स्टार्ट करूंगा तो ऐसे आएगा, फिर पास मूव करूंगा, ये धीरे धीरे करके ऐसे मार्च कर जाएगा। तो अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो बेसिकली ऐसा आना चाहिए, this is x minus 1 whole square into x minus 2, ठीक, from the other side, वो उस साइड से आ रहा था, ये है ना from other side, ठीक, समझ में आ गई बात, clear, and this idea will be very useful in a lot of questions. Next is basically cube, ये तो मैंने तुम्हें already बता दिया, ये ऐसा graph, ठीक है, now हमको ऐसा दिया हुआ है, देखो इसमें क्या था खास बात, all the three roots were real and distinct. इस केस के अंदर all three roots were real, but only two were distinct. दो roots equal थे. ना यहाँ पे all the roots were real and equal. तो ऐसा दिखाई दे रहा है. Now there can be other scenarios also. जैसे इस scenario के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक root real है और बाकी दो जो root हैं वो imaginary हैं. आप देख सकते हो दो root complex हैं इसके अंदर. In fact root तो सारे complex होते हैं. The right word is not complex. The right word is imaginary. Everything is complex. तो इसके अंदर क्या हुआ basically, देखो इसका जो ग्राफ है ये ऐसा दिखाई देगा. इसमें देखो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है क्योंकि एक ही रूट रियल है, बाकी दो रूट इमेजिनरी. अब मुझे कैसे पता कि ऐसे ही ग्राफ आएगा और कुछ और नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलस आना चाहिए. विदाउट कैलकुलस आप इसको अभी इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, बट आफ्टर नोइंग कैलकुलस आई विल टीच यू इन कैलकुलस हाउ टू एग्जैक्टली नोट किसका पैटर्न क्या है, ठीक है. अब ये देखो अगले वाले के अंदर, अब ना व्हाई आई एम राइटिंग दिस इज ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि देखो क्या है, जब भी आप क्यूबिक लिखोगे तो क्यूबिक कैसे दिखाई देगा, फंक्शन वो दिखाई देगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, वो ऐसे ही होता है. वी आर ओनली ड्रॉइंग ग्राफ्स अभी जिनके लिए ए की वैल्यू, मतलब जो लीडिंग कोफिशिएंट है, ए इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, दिस इज ग्रेटर देन 0. तो होगा क्या, अभी हम देखेंगे, अगर ए की वैल्यू स्मॉलर देन 0 करेंगे तो क्या होगा, तो ए ग्रेटर देन 0 का अप्रोक्सीमेट ग्राफ हमेशा कुछ ऐसे ही दिखाई देगा, अलग अलग फॉर्म में हो सकता है लेकिन उसका जो जनरल शेप है वो ऐसे हो. नेक्स्ट इज बेसिकली, है ना, अगेन अच्छा ये कर लिया.
अब हमें पता है देखो ए इज ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ कैसे था, अगर इसमें ए की वैल्यू जीरो, ए की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो कर दूं, देखो मैंने यहाँ पे एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दिया स्ट्रैटेजिकली, अब ग्राफ क्या होगा? अब मैं आपको बहुत अच्छी बेसिक बेसिक सी बात बताता हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ आपको दिया हुआ, आपको ग्राफ दिया हुआ ऐसा मान लेते हैं फंक्शन का, अब आपने माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, इसमें एक माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया, तो ग्राफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वैल्यूज विल बिकम नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यूज विल बिकम पॉजिटिव, तो जहां आंसर माइनस टू आ रहा था प्लस टू आएगा, तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा। इट इज अ वेरी बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपके पास देखो इसी लॉजिक का यूज करें, आपके पास ये ग्राफ है, तो मैंने इस ग्राफ को उल्टा कर दिया और कुछ नहीं, पॉजिटिव वैल्यूज बिकम नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यूज बिकम पॉजिटिव, ठीक है? आप तो मैं दिखाई दे रहा होगा द शेप ऑफ ग्राफ हैज चेंज्ड, पहले आपका ऐसे करके ऐसे ऊपर जा रहा था, अभी ऐसे करके ऐसे नीचे आ रहा है।